तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको कहना चाहता हूँ यार प्लीज आज का जो वीडियो है ना स्किप मत करना, क्योंकि मैं अभी हूँ लद्दाख में और मैं रेगुलरली 4 दिन वीडियो पोस्ट नहीं किया, उसका पीछे भी बहुत सारे रीजन है और घर से बहुत कॉल SMS बहुत कुछ है, लेकिन प्लीज यार वीडियो आज एंड तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी सुबह का 3:30 बज रहे और मैं भी मेरा जो पैकिंग है ना कर लिया और देखिए अंधेरा और अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है। भाई साहब क्या चल रहे है? क्या चल रहे है? तो उसका भी पैकिंग चल रहे है, चलो देखते हैं, क्योंकि भाई 3:30 बज रहे और अभी निकल रहा हूँ। तो मैं अभी हिमाचल प्रदेश का लास्ट विलेज से बहुत सुबह सुबह निकल गए, दर्चा से। एक्चुअली दर्चा है हिमाचल प्रदेश का लास्ट विलेज। गाइस अभी मैं हूँ बारालाचा। एक्चुअली बारालाचा जो है ना मैं क्रॉस कर रहा हूँ और ये हिमाचल का जो लास्ट विलेज है वो क्रॉस करके मैं आगे आ रहा हूँ। और बारालाचा मतलब 100 किलोमीटर के अंदर, 150 किलोमीटर के अंदर कोई शॉप नहीं है, कोई टावर वगैरह कुछ नहीं है। तो गाइस कल मेरा पावर बैंक थोड़ा सा चार्ज था, उसी में मेरा मोबाइल चार्ज कर दिया और अभी दोपहर का 12 बज रहे। ये देखिए गाइस ये अचानक है ना हाईलाइट होने लगा भाई, अचानक हाईलाइट होने लगा। ओ भाई साहब क्या नजर है यार, लद्दाख जाने में ज्यादा टाइम नहीं यार। अभी मैं टंगलेंगला टॉप में हूँ और ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं ना, एक्चुअली बाबा भोलानाथ का मंदिर है। यहाँ पे सब ट्रेवलर ड्राइवर सब आते हैं और बस बाबा का दर्शन करके बाबा का आशीर्वाद लेके आगे का सफर करते हैं। तो गाइस अभी सुबह का 9 बज रहे और मैं अभी हूँ लेह लद्दाख और आज है 20 तारीख, क्योंकि भाई 4-5 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सॉरी। और आप देखो आगे है लेह, इधर आके फोन अभी चार्ज किए हैं थोड़ा। तो गाइस अभी मैं एक्चुअली लेह का प्रॉपर सिटी में जा रहा हूँ और एक्चुअली अंकल को पूछा था कि यहाँ पे कोई साइकिल का शॉप है या नहीं है, अंकल बोल रहे कि सिटी में मिलेगा, इधर तो नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए तो भाई अच्छा है। और बहुत दिक्कत हुआ है यार, 250 किलोमीटर में कोई ना कोई विलेज है ना कोई कुछ है और बस उसी चक्कर में भाई वीडियो भी नहीं कर पाया। और अभी थोड़ा सा चार्ज दे एक शॉप में आके, अभी 12 बज रहे दोपहर का और अभी मेन सिटी के सामने जा रहा हूँ, उधर जाके देखते हैं साइकिल ठीक होता है या नहीं और फिर आएगा सोचूंगा। गाइस फाइनली लेह में साइकिल शॉप मिल गए हैं, 300 किलोमीटर बाद मेरे को साइकिल शॉप मिला। ये भाई ये टोटली खराब हो चुका है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा भाई, अगर आप लोग साइकिल लेके निकले ना तो भाई अगर साइकिल में थोड़ा बहुत खराबी आया तो भाई कोशिश करना कि थोड़ा अच्छे दुकान पे जाके साइकिल को रिपेयर करो, नहीं तो भाई मेरा जैसा हालत खराब हो जाएगा। मैं नॉर्मल दुकान पे एक बार ठीक किया था साइकिल और अभी उसका हालत देखो, लॉक ही खराब कर दिया। ये जो एरिया ना भाई एक्चुअली टोटली ये आर्मी का एरिया है और मैं एक्चुअली अभी आर्मी का एरिया में ही हूँ। और लद्दाख में तो भाई हर जगह पे मतलब आर्मी कैंप सब कुछ मिल जाता है और लद्दाख में देखो अभी मैं लद्दाख में हूँ और लद्दाख में जो मेरे को चीज़ देखने को मिल रही है मैं देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, सूखा हुआ पहाड़ है पूरा, मतलब और कुछ नहीं है, दूर दूर मतलब पहाड़ और पहाड़ है, पहाड़ और पहाड़ है। इतना तेजी से हवा चल रहा है ना भाई, पे सुने ना फटके चार, बंगला में बोलता पानी बोलता फटके चार, बनवा फटके चार नहीं 8 हुआ भाई, सच बोल रहा हूँ डिटेल में 8 हो गया है भाई। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ मतलब सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग आ रहे हैं और आप लोगों को लगे कि भाई हाँ मेरे को थोड़ा बहुत सांस का प्रॉब्लम है तो भाई जरूर आप लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कीजिए, ये तो भाई फट जाएगा भाई। ऑक्सीजन और पावर बैंक ये जरूर कैरी कीजिए, ठीक है ना। और पावर बैंक बीच में 80 किलोमीटर नो पानी नो वाटर, तो अपना को पानी भी सेव रखना है, पानी नहीं मिल सके तो बीच बीच रास्ता में पहाड़ी मतलब पीजिए हम लोग, तो आप लोगों को भी गला नहीं चाहते खराब हो जाए इसीलिए होटल पर भाई बहुत गंदा पानी पिया और पानी को कभी गंदा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था हमारा साथ, ठीक है उसका देखो कैसे मतलब हवा चल रहा है, सो सकते उसका साइकिल भी गिर गया है, लेकिन चलो यार देखते हैं गुरुद्वारा जाते जाते कितना टाइम लग जाता है। चलो 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 भाई निकलते चलो।
एक्चुअली मैम क्या है ना सोलो ट्रेवल कर रहे हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा कि आप भी सोलो ट्रेवल, इतना मतलब एक जुनून होना चाहिए। लेडीज ओके, जो जो सोचता है ना कि भाई लेडीज घूम नहीं सकता है, ऐसा गलत है भाई, सोच भाई निकाल दो, ये जो निकाल दो। पहली बात, वन लाइफ जी लो, अच्छे से जी लो, मौका मिला है दूसरी जिंदगी नहीं मिलती है, ये तो मान के चलो, चौका मारो, घूमो, एंजॉय करो। क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे यार? तो गाइस फिलहाल मैं हूँ पत्थर साहिब गुरुद्वारा के पास। एक्चुअली यहाँ पे सोचा कि चलो आज देखते स्टे होता है या नहीं, लेकिन क्या है ना, चलो कोई नहीं, ये मिलिट्री का अंडर में है और मैं टोटल मिलिट्री का जो एरिया है उसमें हूँ। तो यहाँ पे मतलब आप चाहे ना तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मतलब रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो बस गुरुद्वार से निकल के बस निम्मू जा रहा हूँ। एक्चुअली निम्मू लद्दाख में है, एक विलेज है यहाँ पे। और भाई देखो लद्दाख का जो मेन मजा है भाई, ये रोड का है। देखिए इतना सुंदर रोड है ना भाई, चारों तरफ मतलब सूखे हुए पहाड़ है और ये बीच में जो रोड गया ना, माँ कसम मजा आ गया। और लद्दाख आके तो भाई क्या है बताओ, सिर्फ रोड का लिए मेरे को लद्दाख बहुत ही अच्छा लगा। सो फिलहाल नींबू जा रहा हूँ। एक्चुअली देखते हैं नींबू यहाँ से 6 किलोमीटर है और यहाँ पे जाके मतलब कोई ना कोई व्यवस्था करके स्टे करने आज नींबू में। आज है लद्दाख का फर्स्ट डे और क्या है ना, अभी मैं नींबू में हूँ। एक्चुअली ये एक विलेज है, तो क्या है ना मैं कारगिल की तरफ निकल रहा हूँ। और भैया जी थैंक यू सो मच, क्योंकि भैया जी की वजह से आज यहाँ पे मतलब जगह मिल गई टेंट लगाने के लिए। एक्चुअली ये राफ्टिंग का ऑफिस है ना, तो बस इधर ही आज स्टे कर रहा हूँ और देखते हैं कल कितना बजे निकलते हैं। और बहुत जल्दी करगिल के लिए निकल जाऊंगा। और ये तो करगिल का रोड है ना, श्रीनगर करगिल का यही रोड है ना, वही रोड है। हाल बना है, हाँ हल्का हल्का बिछना। तो गाइस बाहर बन रहे चिकन, क्योंकि आज लद्दाख का फास्ट डे एंड फास्ट डे है और सोचो चलो आज चिकन का क्या एंजॉय करते हैं। और जिनको मतलब भाई चिकन पसंद नहीं है भाई, सॉरी यार, माफ कर देना। और चलिए गाइस आज का जो वीडियो मैं टेंट का अंदर एंड लद्दाख में खत्म करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ सुबह 8 बजे। उम्मीद करता हूँ गाइस आज का जो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। कमेंट करके बताना यार कैसा लगा वीडियो। और सॉरी यार मैं 4 दिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, सॉरी।